press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेस्ट केमी। और ये चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन और उसके करियर ऑप्शंस। कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन को अपनी लाइफ में आगे लेके जाते हो और उसको करियर की तरह सोचते हो तो आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 तरीके के हम करियर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा भी आप तरह तरह के करियर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, बट बेसिकली मेन जो 6 करियर ऑप्शंस होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे यहाँ पे अभी। तो सबसे पहला होता है टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है, जो आपको फिजिकल एजुकेशन की जानकारी देता है, आपको बुक से पढ़ाता है, ले जाता है ग्राउंड में। तो आप टीचिंग करियर की तरह अपना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने के लिए, मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक में आप पढ़ा सकते हो फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो आप इसमें आप पढ़ाओगे बच्चों को, उनको समझाओगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जो चीज़ें आपने सीखी है वही चीज़ें आपको आगे सिखानी होगी। तो ये बेसिकली टीचिंग करियर है फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप की इसमें कोई वैसी बात नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो। इसके बात करते हैं हम सेकंड करियर की। तो सेकंड करियर है आपका कोचिंग करियर फिजिकल एजुकेशन में। अब ये कोचिंग और टीचिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम कोचिंग की वो बात नहीं कर रहे जो आप लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हो, उसकी बात नहीं कर रहे। कोचिंग करियर फिजिकल एजुकेशन में मतलब है कि आप एक कोच बन सकते हो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब ये कोच होता कौन है? अब मैं यहाँ पे पीटी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर जगह घूमता रहता है और आपके बारे में मतलब आपको देखता रहता है कि आप सही एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं। मैं उस पीटी टीचर के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक कोच की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलरली अपॉइंट किया जाता है स्कूल में कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को सिखाने के लिए, आइदर टेनिस स्पोर्ट्स, जो भी मतलब टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपके स्कूल में ज़्यादा चलता है उसके लिए एक स्पेशल कोच जो अपॉइंट किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं भी आप कोच बन सकते हो और आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो सारे स्पोर्ट्स सिखा सकता है, लेकिन उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तब एक कोच बन सकता है। तो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक में काम कर सकते हो अगर आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी आप अच्छे से सिखा सकते हो, और प्रोफेशनल टीम तक को कोच कर सकते हो, इंडिया की नेशनल टीम को आप कोच कर सकते हो, कॉमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे भी आप कोचिंग दे सकते हो और कोच कर सकते हो। आप नॉन स्कूल सेटिंग्स जैसे कि स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें भी आप कोचिंग दे सकते हो, ठीक है। तो कोई स्पोर्ट्स एकेडमी आप अपनी खोल सकते हो या पहले से खुली है, वहाँ पे आप कोचिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप कोचिंग कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हेल्थ रिलेटेड करियर। ये आजकल काफ़ी चल रहा है, आपने देखा होगा हेल्थ रिलेटेड करियर्स में काफ़ी स्कोप होता है। स्कोप में नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि सैचुरेटेड हो चुका है काफ़ी, आपको हर जगह मिल जाएगा। कोई जिम का ट्रेनर बना बैठा है, कोई आपका हेल्थ फिटनेस गाइड कर रहा है, कोई योगा ट्रेनर बना बैठा है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हाँ, काफ़ी डिमांड भी है इसकी, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स बने होते हैं तरह तरह के, आपने आजकल तो अपने प्रोडक्ट बेचने लगे हैं लोग कई, और कंपनी एसोसिएशन बना के अपने MLM टाइप की बना के भी काम कर रहे हैं काफ़ी। तो आप हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं या कोई ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ा मतलब सिखा सकते हैं लोगों को। और प्लेइंग फैसिलिटी जैसे कि स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग एक्सेट्रा, यहाँ पे आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और सोना, स्टीम रूम्स, मसाज एक्सेट्रा, इसी तरीके से आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस भी दे सकते हो। आप लोगों को डाइट के बारे में बताना, उनके न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या आप खाना आपके लिए सही है क्या नहीं। सेकंड चीज़ है आपका एथलेटिक ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है, एथलेटिक ट्रेनिंग लोगों की करा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज का ध्यान रखोगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे आप बचा सकते हो, और रिहेबिलिटेशन करोगे इंजर्ड एथलीट्स का, अगर कोई एथलीट इंजर्ड हो जाए, चोट लग जाती है, तो उसका भी कैसे इलाज करना है, उसको वापस कैसे उस स्टेज पर लाना है कि जैसे वो पहले
एक्टिव था, परफॉर्मेंस थी उसकी, वैसे स्टेज पे कैसे लाना है, इस चीज को हम बोलते हैं रिकवरी करने में भी आप उसकी मदद करोगे। तो ये आपका हेल्थ रिलेटेड करियर्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट करियर की बात करते हैं जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स। अब ये लोग वो हैं जो थोड़ा राज करना चाहते हैं, जो लोग मतलब थोड़ा ऊपर से बैठ के लोगों पे अपना काम करवाना चाहते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स हैं। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन के या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट में आप जा सकते हो जिसमें मैनेजमेंट जैसे कि जिमनेजियम का मैनेजमेंट देखना, फिटनेस सेंटर का, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एक्वेटिक सेंटर्स, इनमें से किसी भी एक का मैनेजमेंट देखने का आपको काम दिया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जैसे कि MNC और नेशनल कंपनीज होती हैं, ये भी रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देती हैं एम्प्लॉयज के लिए, तो उनके लिए भी आप मैनेजिंग का काम कर सकते हो, उस चीज़ को आप प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मार्केटिंग और प्रमोशंस, स्पोर्ट्स की आप मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले स्पोर्ट्स के बारे में, उसका प्रमोशन करने में आप खुद भी कर सकते हो या किसी के अंदर जॉब कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। एक करियर ऑप्शन हमारा ये है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। अभी परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स जैसे कि आप प्लेयर्स की तरह, मतलब प्लेयर जैसे होते हैं क्रिकेट के प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल के प्लेयर्स, तो प्लेयर्स की तरह आप खेल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो एक प्लेयर की तरह प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, कोई भी आपका स्पोर्ट्स है उसमें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप प्लेयर की तरह प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑफिशियल्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आप कंडक्शन, जिससे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का कंडक्शन हो सके, जैसे कि रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, लाइनमैन, रिकॉर्डर, स्कोरर, ये सब ऑफिशियल्स होते हैं जो खेलते नहीं हैं, उनके जो भी खेल रहा होता है उनके खेल को ध्यान देते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जज करते हैं। तो करियर्स, इसके बाद लास्ट करियर आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन मीडिया में। तो आजकल ये भी काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है उसी के थ्रू ही स्पोर्ट्स का हम प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपका ऐसे जाने कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया में आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जिसमें आपको स्पोर्ट्स के ऊपर आप लिखते हो अखबारों में और मैगजीन्स में, ठीक है, तरह तरह के स्पोर्ट्स के बारे में, पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है करियर में बुक राइटिंग, आप किताब लिख सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर। और थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स की आप फोटोग्राफी कर सकते हो, फोटोज़ खींच सकते हो तरह तरह की स्पोर्ट्स में, जो भी क्रिकेट मैच चल रहा हो या कुछ चल रहा हो उससे रिलेटेड आप फोटोज़ खींच सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गया आपका। और फोर्थ है आपका बुक पब्लिशिंग, किताब आप पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि बुक लिख सकते हो आप स्पोर्ट्स में, उसी तरीके से आप बुक पब्लिश कर सकते हो उसको लिखने के बाद, या फिर कोई और बुक्स को स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और लास्ट है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप जिसके थ्रू ही आपके घर में सारे मैचेस आप देख पाते हो क्रिकेट के या किसी भी तरीके के मैचेस, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है उसको मैचेस को, टेनिस के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, इन सब के मैचेस आप स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही देख पाते हो। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग यानी कि आपके टीवी पे उस मैच को लाना, उसके लिए जो भी पीछे करना पड़ता है वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आता है। तो दोस्तों यही हमारे करियर्स कुछ जो कि फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड करियर ऑप्शन लास्ट टॉपिक जो था इस चैप्टर का वो भी ख़त्म हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो होगी वो आप, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जैसे नेक्स्ट चैप्टर डलेगा तो आप उसको देख सकोगे। और अभी जो अपने पिछले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारी मेहनत को और सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपके सब्सक्राइब करने का फायदा होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ पाएगी हमने जो भी वीडियोस डाली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।